उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज कौशाम्बी पहुंचे। इलाहाबाद जाने के लिए बवंस मेहता महाविद्यालय बरवारी में डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा, जहां उनका चायल विधायक संजय गुप्ता ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद डिप्टी सीएम थोड़ी देर के लिए कार्यकर्ताओं से मिले। डिप्टी सीएम ने फूलपुर एवं गोरखपुर लोकसभा चुनाव पर कहा कि कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है और दोनों ही सीट हम लोग अच्छे वोटों से जीत लेंगे। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी मेरी मातृभूमि है और मैं इस धरती को नमन करता हूँ। धरती मेरे लिए जन्मभूमि है या पूज्य है, और आज यहाँ आया हूँ। विकास कार्य क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनको देखना भी है जी। दूसरा, जो फूलपुर लोकसभा और गोरखपुर लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से जी प्रत्याशियों की आज घोषणा हो गई है, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार जताता हूँ जी कि दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी के रूप में भेजा है। और पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूँ, जिस ऐतिहासिक अंतर से 2014 में हमने फूलपुर और गोरखपुर की लोकसभा सीटों को जीता था, उसी प्रकार के अंतर से हम 2018 में भी जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में मजबूत। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट।